तुम्हें वकील का भी कुछ पता नहीं है और शेर खान का भी पता नहीं चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जावेद डाला लोग क्या कर रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब ये लोग मेरे साथ भी कुछ ऐसे वैसे ना करें। मैं तो कि मैडम भी चली गई है, मैडम को भी पता नहीं है, वो भी तो भी चली गई। क्या होता है हमारे साथ। ये कौन है? क्या कर रहे हैं? ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारी सोच भी नहीं जानता। आज मैं सच्चाई सुनना चाहता हूँ, सच्चाई जो सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकलेगी, वो सच जो किसी को पता नहीं है, उसे तुम जानती। हाँ, सच्चाई सेठ दाऊद की वसीयत की सच्चाई। सेठ दाऊद ने जो वसीयत लिखी है उसमें हेर फेर करने की कोशिश की है। मैं नहीं जानती आप कौन है। ये मुंह से हिजाब तो हटाए आप। ये नकाब हट गया तो तुम थर्रा जाओगे, डर जाओगे, खौफज़दा हो जाओगे। इसको लगा रहने दो। ये पहेलियां ना बुझाए आप, ये अपने मुंह से ये पर्दा जो किया बस से हटाए। ये पहेली नहीं है, ये नकाब है, और नकाब हट गया तो तुम सारी सच्चाई जान लोगे। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जो मैं जानता हूँ और सेठ दाऊद जानता है। बता दो सच्चाई क्या है, किसने वसीयत में हेर फेर की है, कौन उसको अपने हिसाब से कर रहा है। ये सारी बातें आपको किसने बताई, कैसे पता चला? कैसे पता चला? अरे मैं सब पहले से ही जानता हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। एक एक बात जानता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम बताओगी और जरूर बताओगी, तुम्हारा ही फायदा है अगर तुम बता देती हो तो। जो इज्जत मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो रहेगी, और अगर नहीं बताई तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझे? मुझे सब पता चल जाता है और सब पता चलता रहता है, जो तुम लोग कर रहे हो सब एक एक बात जानता हूँ। अब काम तो कौन और ये सारी बातें आपको किसने बताई? ये मास्क तो हटाएं ताकि मुझे तो पता चले ये बातें आपको किसने बताई, आप हैं कौन? तुम छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, तुम सिर्फ सच्चाई बताओ। सच्चाई बताने का तुम्हें फायदा होगा, नहीं बताओगी तो मुझे तो सब मालूम है कौन कौन क्या कर रहा है। शेर खान और दाऊद से? हाँ, शेर खान और दाऊद, दाऊद सेठ। जी जी, दाऊद सेठ। मैं कहाँ था तुम जानती हो, और नहीं जानती हो तो बहरहाल मैं जहां भी था लेकिन निगाहें मेरी तुम सब पर थी, सबकी एक एक बात को जानता हूँ, कौन कौन शामिल। इतने दिनों से लापता थे, कहाँ थे आप? मेरी नसीहत को बदलने में, शेर दाऊद की नसीहत, शेर खान और शेर दाऊद की। बोलो, बताओ, अब तो मुझे बताओ कौन कौन शामिल है और क्या मैं तब्दीली कर रहे हैं। जब मैंने वसीयत लिख दी तो लिख दी, वकील भी इसको चेंज नहीं कर सकता। नहीं नहीं दाऊद, तुम लोगों की क्या प्लानिंग है उस वसीयत के बारे में, मुझे बताओ। बताओगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा, नहीं बताओगी तो तुम्हें नुकसान होगा, और जो जो शामिल है उन सब का नुकसान होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो काम मोहब्बत से हो, जब मैंने वसीयत कर ही दी है तो फिर उसमें क्या तरकीब? क्या उसको बदलने का अक्सर मुझे? नहीं नहीं दाऊद सेठ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ चाहूं दू चाहूं नहीं दू, लेकिन मुझे तुम सब का एहसास भी है, इसलिए मैंने वसीयत लिखी। इसमें जो काम, क्या काम दाऊद, आप मुझे बताओ, मैं आपके सारे काम कर दूंगी। उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तुम लोग
तो शायद सब हाथ धो बैठेंगे इस वसीयत के मुताबिक। शेर खान और दाऊद सेठ कोई नहीं जानता इसको, इसकी सोच क्या है, ख्याल क्या है, सब से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जब मैं जायज तरीके से दे देता हूँ तो कबूल कर लो, और उसमें अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझे? ये है शेर खान की बात, दाऊद सेठ की बात। कौन कौन शामिल था, कौन कौन है, क्या कर रहा है, क्या तरमीम कर रहा है, मुझे सब पता है। क्या मिलेगा ये सब करके? कुछ नहीं, हाथ धो बैठोगे। शेर खान दाऊद सेठ, हाथ धोती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। तुम लोगों ने शेर खान को क्या समझा है? मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता है, और कोई नफरत करता है तो उसका जवाब नफरत से भी देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी से तुम सब लोगों को तुम्हारे हिस्से उस वसीयत में लिख दिए हैं, तो फिर उसमें हेर फेर करने की जरूरत क्यों हुई? क्यों करते हो मेरे काम को गलत? क्या मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें सब कुछ नहीं दिया? कौन है जो मुझसे ले? लेकिन मैंने अपना समझकर, तुम्हारा हक समझकर वो सब कुछ तुम लोगों के हिस्से में दे दिया, वसीयत लिख दी। अब उस वसीयत में भी तुम लोग डंडी मार, अभी मैं जिंदा हूं और सब समझता हूँ। मैं दूसरी वसीयत भी लिख सकता हूँ, उसके बाद कोई इसको बदल नहीं कर सकता। आपके मैनेजर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाऊंगी। नहीं नहीं, आप उसे कुछ मत करना, वो मेरी मोहब्बत है, मैं आपके आगे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता तो सार के जरिए मैं तुम्हें मंजिल पे पहुंचा देता। तुम बेवफाई, शेर खान के साथ बेवफाई, दाऊद सेठ के साथ बेवफाई, नहीं होने दूंगा ऐसा, किसी सूरत नहीं होने दूंगा। तुम शेर खान को समझते क्या हो? एक एक बात जानता है वो सबकी, क्या सोचते हैं वो सब जानता हूं मैं, समझे? कोई मुझे नहीं पहचान सकता, तुम में से कोई नहीं पहचान सकता। ये शेर खान। क्यों वकील, तुझे कहा था ना तू हमारे साथ पहले हाथ मिला लेता तो तेरे साथ इतना टॉर्चर नहीं होता जो हम लोगों ने किया। बस यह गलती हो गई। हाँ बस गलती हो गई। और तू सुना, क्या हुआ तेरे काम का? मेरा काम तो हो जाएगा भट्टी भाई, बस आपकी सरपरस्ती में है, बस आप हमारा काम करवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। और तेरे टायर पंचर की दुकान का क्या हुआ? बस काम चल रहा है, जैसे भी होगा तो आपकी मेहरबानी। और तू सुना? हाँ भट्टी भाई, बस आपकी इजाजत चाहिए, काम तो हो ही जाएगा। अरे इजाजत, हमने तो पूरा माहौल तुम्हारे हाथ में कर दिया, वो खुले खाओ और क्या कहते हैं उस तरह नहाओ। सही बात है भाई, आपकी जो बात है वो किसी में नहीं है, काश मुझे पहले पता लग जाता। चलो कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। मेरी वसीयत की चैन कर रहा है, बदल रहा है, कौन होता है? मेरी वसीयत बदलने वाला कौन है तू? क्या कर सकता है तू मेरी वसीयत लिए? बदल रहा है तू? मैंने कर दिया जो मैंने लिख दिया, बस कोई नहीं बदल सकता। हजार बार सोचना, फिर भी नहीं बदल सकते। मैं शेर खान
और दाऊद सेठ दुनिया जानती है और मेरी बात का इतना भरम है कि जो कह दूं वो डन है। कोई मेरी सोच के मुताबिक नहीं करता। मैं शेर खान हूँ, शेर खान और दाऊद सेठ। जो वसीयत लिख देता है तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, और अगर कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ शेर खान मिटा सकता है। समझे? सही सर। एक मैं वसीयत लिखता हूँ तो दूसरी भी लिख सकता हूँ। एक वसीयत अगर मैं लिखी लिख सकता हूँ तो दूसरी वसीयत सब छीन कर ले जा सकता हूँ। इस पाकिस्तान का बंदा हूँ मैं, पाकिस्तान पाकिस्तान का एक शहरी हूँ मैं। इस पाकिस्तान में मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से मैंने लोगों का हक दिया है और अपना हक दिया है, लेकिन कोई मेरा हक छीन नहीं सकता। मैंने जब अपना समझ कर तुम वसीयत कर दी सर, अब माफ कर दे सर, हमसे कर दो गलती हुई, हमसे गलती हुई सर, हमसे क्यों बदली, हमें माफ कर दो सर, क्यों सोचा ऐसा, हम ऐसा फिर नहीं करेंगे, ऐसा सोचने की तुमने हिम्मत कैसे सर। भूल गए कि मैं शेर खान हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अगर वसीयत बदल दूंगा तो फिर क्या होगा तुम सर, हमें पता नहीं था सर, हम क्या बोलना, इन लोगों का क्या सोच आई तुम्हारे जहन में, ये कैसे आए सर वसीयत बदलने चले, शेर खान की वसीयत बदलने चले। ओ कैसे बदलोगे तुम? उसको बदलने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, वो है शेर खान और दाऊद सेठ। तुम हिम्मत नहीं हो सकती, कैसे सोचा सर? हमने क्या सोचा सर, सर हम तो सर आपके हाल औलाद है सर। बहुत तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया, और अब भी अगर तुम्हारी जहन में ये बात मेरी नहीं बैठी तो फिर इसका नुकसान तुम कितना होगा तुम नहीं समझ मेरी शेर खान और दाऊद सेठ मेरा नाम है, और सच्चा नाम है और सच्चा काम है। मैं जो कह देता हूँ वो दंड होता है, उसको बदलने वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक सर, बदलेगा तो वो सिर्फ शेर खान।